Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यू चैनल तो आज क्यों ना हम अपना वीडियो भगवान की पूजा से ही स्टार्ट करें और आज मैं आपको बताने वाली हूं बहुत ही अच्छे अच्छे किचन टिप्स एंड हैक्स तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा तो यहां पर ये टिप्स है कि अगर आप मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपका चेंज होता रहता है जॉब तो फिर हमें सामान ज्यादा इकट्ठा नहीं करना होता है इसलिए मैंने यहाँ पर मंदिर भी नहीं लिया है ये मैंने एक चौकी ले ली है आप एक चौकी ले लें उसके ऊपर कपड़े बिछाकर करके और भगवान को विराजमान कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं और इसको एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने में बहुत आसानी होती है और अगर आप मंदिर लेंगे फिर उसे दीवार में लगवाएंगे फिर जब आपको जाना होगा तो उसे निकलवाएंगे इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा पैसा भी वेस्ट होगा और प्रॉब्लम तो होती ही है तो आप इस तरह से मतलब कि अपने भगवान को रख सकते हैं और फिर यहां पर हम आ गए थे किचन में तो क्या होता है कि हमारे डेली के काम तो रहते ही हैं बट हमें कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने पड़ते हैं आ, मतलब कि वो हमें आ, किसी एक दिन करना ही पड़ता है तो उसके लिए हम टाइम कैसे निकालें क्योंकि हमारे डेली के काम तो रहते ही हैं घर की साफ सफाई खाना बच्चे तो उसके लिए हमें टाइम निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा कि अपने डेली के जो काम है वो थोड़े से फास्ट करने होंगे और यहाँ पर जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर दोपहर का लंच प्रिपेयर कर रही हूँ बच्चों को लेकर के आ गई हूँ और नॉर्मली मैं यहाँ पर दाल चावल बना रही हूँ तो आप भी ऐसा कर सकते हैं जैसे मॉर्निंग में आपने ब्रेकफास्ट बनाया था बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाया था तो आप दोपहर में दाल चावल सिंपल सा बना लें जल्दी हो जाएगा खाना जल्दी बनेगा और आपको जो एक्स्ट्रा टाइम क... एक्स... एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा आपको और एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए और हाँ आप जैसे ही खाना बनाए साथ, -साथ आप स्लैब वगैरह भी पोसते रहें इससे आपको अलग से खड़े होकर के यहाँ पर साफ सफाई नहीं करनी पड़ेगी तो इससे हमारे टाइम की भी बचत होगी तो यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आप कम मेहनत में कैसे ज़्यादा काम कर सकते हैं और अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो यहां पर आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दो काम करने वाली हूं तो आप लोग मेरे वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और फिर ये देखिए यहां पर मेरी दाल पक चुकी थी और चावल मैंने चढ़ा दिया था और यहां पर मैं खड़े होकर के देख रही थी कि आलमारी में मतलब कि यहां पर रैक में जो सारे डिब्बे हुए है, डिब्बे हैं मेरे सारे बिखरे हुए हैं क्योंकि हम मॉर्निंग में काम करते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाते हैं थोड़ी हमें जल्दी जल्दीबाजी होती है और फिर धीरे धीरे ना जो मतलब हम जैसे जमाते हैं वो बिगड़ ही जाता है तो यहाँ पर आप इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम ना निकालें बल्कि अगर आपने खाना चढ़ा दिया है कुछ ऐसा खाना है जैसे दाल चावल कुछ बॉईल कर रहे हैं तो आपको वहां पर खड़े होकर के वर्क करने की जरूरत नहीं होती है तो आप इस टाइम को यूज कर सकते हैं अपने ऐसे छोटे छोटे कामों को करने में जैसे आपने कुछ डिब्बे जो आपको फैले हैं आप उनको अरेंज कर दें अगर कुछ गंदे हैं तो उनको साफ कर दें पोंछ दें तो इससे आपके टाइम की काफ़ी बचत होती है और इसके साथ ही आपका किचन ऑर्गेनाइज भी रहता है तो यहाँ पर ये देखिए ये कुछ आ, ऐसे मतलब कि किचन के सामान है मेरे जो बहुत ही कम यूज होते हैं जैसे दाल चीनी तो इन सब डिब्बों को मैंने पीछे रख दिया है और ये यहाँ पर बड़ी इलायची रखी हुई है ये छोटे डिब्बे हैं तो यहाँ पर मैं छोटे डिब्बों को यहाँ से हटा लेती हूँ क्योंकि मेरे पास ये एक ऑर्गेनाइज़र है तो इसमें मैं इसको रख दूंगी और वहां पर रैक में मैं बड़े डिब्बों को ही रख रही हूँ और जो मेरे कम यूज की चीज़ें हैं हम कभी कभार ही किसी रेसिपी में डालते हैं उन्हें पीछे रख दूंगी और बाकी के सामान हम आगे रख लेंगे और यहाँ पर ये देखिए मेरे कुछ कंटेनर हैं जिनमें मैंने सामान रख दिया है तो अब ये जो छोटी छोटी डिब्बिया हैं इनको मैं नीचे ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज कर देती हूँ क्योंकि बड़ी आसानी से इसमें आ जाएंगे तो ऐसे मतलब कि आप ग, ग, कर सकती हैं छोटे डिब्बों को किसी छोटे ऑर्गेनाइजर में रख सकती हैं और और बड़े डिब्बों को ऊपर रख सकती हैं जो कम यूज होते हैं उनको आप पीछे रखिए जो ज्यादा यूज होते हैं हमारे जो सामान होते हैं किचन के उनको आप आगे रख सकती हैं तो इस तरह से मतलब कि हम अगर, अगर अपने किचन के सामान को घर के सामान को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो हमें जब हम काम करने आएंगे किचन में तो हमें ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं होगी और हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा काम करने में तो ये देखिए यहां पर मेरा लंच प्रिपेयर हो चुका है सिंपल सा दाल चावल और टमाटर की चटनी तो चलिए अब मैं खा लेती हूँ और बच्चों को भी खिला देती हूँ तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो पहले बच्चों का पेट जरूर भर दे नहीं फिर वो बीच बीच में आपको परेशान करेंगे तो ये देखिए यहां पर जो मैं आज एक्स्ट्रा काम करने वाली हूं तो वो है आंवले का अचार मेरे हस्बैंड ने आंवला लाकर रखा था तो इसे मुझे आज अचार बना लेना है दोपहर के टाइम में तो ये देखिए यहां पर मैंने सबसे पहले इनको धो लिया है चलिए आपके साथ मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ और यहां पर मैं आंवले की आज आपके साथ दो रेसिपी शेयर करने वाली हूं तो ये देखिए पहले मैंने पानी ले लिया उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल करके इसमें आंवला डाल देंगे हल्दी और नमक डालने से जो हमारा आंवला होता है उसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है और नमक डालने से बहुत ही जल्दी ही बॉईल हो जाता है तो ये देखिए इसमें एक इसमें नहीं आ रहा था तो इसको मैंने दो में कर लिया है क्योंकि बड़ा बर्तन नहीं था और ये देखिए यहाँ पर ये बॉईल हो चुका है और ये देखिए ये फट चुके हैं और इसकी जो ऊपर की स्किन होती है वो सुकुड़ सी जाती है जब ये पक जाते हैं तो चलिए इसको निकाल लेंगे हम और इसको किसी ऐसे मतलब बर्तन में डाल देंगे जिससे कि इसका पानी पूरा निकल जाए और पानी ना रहे नहीं तो फिर ये गीला गीला सा हो जाता है इसलिए इसका पानी सूखना भी जरूरी है और इसे हम थोड़ा ठंडा करेंगे मतलब कि हमें इसे पूरा ठंडा नहीं करना है अगर आप पूरा ठंडा कर देंगे तो फिर ये छिलता नहीं है इसके बीज जो होते हैं वो आसानी से फिर बाहर नहीं निकलते हैं आधा आंवला तो उसी में चिपका रह जाता है इसलिए थोड़े से गर्म में ही हमें इसे छीलना होगा ज़्यादा गर्म में भी नहीं जिससे कि हाथ जलने लगे तो बस नॉर्मल इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है जिससे कि हम इसे छील सकें तो चलिए हम इसके सारे बीज निकाल सक निकाल देते हैं और ठंडियाँ है जैसे तो हमें आंवला वगैरह खाना बहुत ज़रूरी होता है आंवला तो बहुत अच्छा मतलब कि बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे आंवले आते हैं तो आप इसका अचार बना करके रख लें और फिर इसको खाते रहें तो ये देखिए यहां पर मैंने छील छील लिया है सारा सारे सीड्स निकाल दिए हैं तो अब इसके इसमें से जो थोड़ा सा आंवला है मैं उसको निकाल करके अलग रख लेती हूँ क्योंकि मैं एक और रेसिपी इसकी बनाने वाली हूँ जो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इसी वीडियो में तो चलिए अब हम मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसके लिए देखिए यहां पर मैंने लिया है मेथी क्वांटिटी आपको अगर आपको ज़्यादा मसाले पसंद है अचार में तो आप ज़्यादा मसाले डालें कम पसंद है तो आप कम डालें और फिर यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है खड़ी धनिया जीरा ये सौंफ डाला है मैंने सौंफ जीरा करायल ये सब डाल करके आपको अच्छे से और ये खड़ी राई है मतलब मस्टर्ड सीड सीड्स हैं यहाँ पर मैंने ब्लैक वाली यूज की है आप येलो वाली भी यूज कर सकते हैं और फिर इसको हमें बस थोड़ा सा रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे बस इसे हमें फिर निकाल लेना है और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे हमें दरदरा मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि वो ज़्यादा पीस जाता है तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगता है इसलिए अगर थोड़ा सा दरदरा पीसते हैं ना तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो यहाँ पर अब मैं इसको कर रही हूँ ग्राइंड और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनके जिन्हें हमें मतलब कि करना होता है तो उसके लिए आप ऐसे ही दोपहर में अपना टाइम निकाल लें क्योंकि बाकी के डेली के रूटीन तो हमें फॉलो करने ही होते हैं तो बस यहाँ पर यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए यहाँ पर ये कि मतलब दरदरा सा ग्राइंड है आप देख सकते हैं इसको पूरी तरह से ये पिसा नहीं है तो इसको अब हम निकाल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी क्योंकि पहले भी हमने हल्दी डाली है इसलिए ज़्यादा हल्दी नहीं डालेंगे और आप देख सकते हैं कि पहले से इसका कलर पीला था फिर इसमें थोड़ा सा डाल देंगे काला नमक काला नमक डालने से जब हम अचार को खाएंगे तो ये डाइजेस्टिव होता है और फिर थोड़ा सा सफ़ेद नमक और इसमें लाल मिर्च पाउडर और फिर हम डाल देंगे मसाले जो हमने प्रिपेयर करके रखे हैं आपको जितने मसाले पसंद हो आप उतनी क्वांटिटी मिला दें और फिर यहाँ पर गैस में मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई और इसमें डाल देंगे हम मस्टर्ड ऑयल और इसमें भी थोड़ा सा इसको हम गर्म कर लेंगे जब तक कि इसमें से धुआं मतलब धुआं निकलने लगे मतलब ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है नहीं फिर तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है तेल का और फिर सारे मसालों को मिक्स कर देना है हमें और फिर इसमें हम डाल देंगे और नमक भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब हमने बॉईल किया था ना आमले को तब हमने इसमें नमक मिलाया था इसलिए हमें इसको ऊपर से फिर और ज्यादा नमक नहीं मिलाना है तो बस यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो इसमें डाल करके इसको मिला देंगे और ये देखिए हमारा टेस्टी सा अचार टेस्टी एंड हेल्दी सा अचार बन करके रेडी We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in तो चलिए अब हम बना लेते हैं आंवले की दूसरी रेसिपी तो ये है खट्टी मीठी आंवले की लौंजी तो देखिए इसे मैं कैसे बनाती हूं तो पहले आप कढ़ाई में डाल लें सरसों तेल फिर उसमें डालेंगे मेथी दाना और फिर इसी में हम डालेंगे सौंफ और मतलब कि मेथी को हमें पहले डालना है सौंफ और यहाँ पर ये सरसों तो सरसों सीड्स और यहाँ पर ये करायल और फिर इसको हम अच्छे से चला लेंगे इसको मतलब कि अच्छे से ये भुन जाए और इससे मतलब अच्छी खुशबू आने लगे और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग और हींग डालने के जस्ट बाद ही हमें इसमें आंवला डाल देना है नहीं तो फिर जो हींग होती है वो जल जाती है और फिर इसे अच्छे से चला करके मिक्स कर देना है और फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मतलब कि पहले से भी इसमें हल्दी है बस थोड़ा सा हल्दी डालना है और थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफेद नमक और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर इसमें देखिए यहाँ पर मैं वो पानी डाल रही हूं जिसमें हमने आंवले को बॉईल किया था मतलब वो पानी हमें फेंकना नहीं है इसी में डाल देना है फिर इसमें मैं डाल रही हूँ एक गुड़ फोड़ करके जो गुड़ आता है जैगरी वो इसमें डाल रही हूँ और फिर इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है पानी में आप पानी आंवला और ये गुड़ को अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए और फिर इसमें हम डाल देना है थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला अब गरम मसाला कोई भी यूज कर सकते हैं और फिर आप इसको गाढ़ा होने तक पका लें और फिर आप इसे किसी भी दाल चावल रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी आती है इसे बना करके जरूर ट्राई करिएगा तो देखा आपने मैंने डेली का अपना रूटीन का, का काम तो किया ही और साथ ही मैंने दो घंटे में अपना एक्स्ट्रा काम भी कर लिया तो इस तरह से अगर आप टाइम को मैनेज करके चलती है, तो आपके सारे काम हो जाएंगे तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर कुछ भी आपके काम आया हो और साथ ही को भी प्रेस कर तभी मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेंगे तो चलिए इसको आप लोग खाइए बना करके खाइए और आपने बनाया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा और कैसा लगा ये भी बताइएगा तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में जिसमें मैं आपको कुछ किचन और हाउस से रिलेटेड टिप्स आपके साथ शेयर जरूर करूंगी तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग